दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बीए बीएससी या बीकॉम के लिए अप्लाई के लिए ऑनलाइन किए थे बीएनएमयू मंडल यूनिवर्सिटी में, अगर आपका नाम फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया था तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है, किस तरह आप अपना नाम जाँच पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे तो उसका सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है, किस तरह अपना नाम चेक कर पाएंगे, किस तरह इमिडिएटली लेटर जो डाउनलोड कर पाएंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान टेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। बीएनएमयू की इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल दिख रहा है बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स सेकंड कट ऑफ मैरिट लिस्ट हैज बीन अपलोडेड। तो ये मैरिट लिस्ट जो है अपलोड हो चुकी है सेकेंड की। तो किस तरह अपना नाम चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, आपको पहला ऑप्शन मिलता है व्यू मैरिट लिस्ट एकेडमी सेशन 19 से 20, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट, यहाँ पे डिग्री में आपको यूजी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री में आपको बीए बीएससी जिसके लिए अप्लाई किया तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट था जो 200 का जो रखे थे आप, वो क्या है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे दो आपको मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, एक 11 जून का है और एक 26 जून, यानी कि 26 जून वाला जो है वो आपको सेकेंड है। तो 26 जून वाला के बगल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नाम और से पता कर देख सकते हैं, अपना नाम खोज लीजिए, आपका नाम इसमें सेकेंड लिस्ट में आ सकता है। अगर आपका नाम सेकेंड लिस्ट में नहीं आता है तो थर्ड लिस्ट का आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपका नाम इसमें आ चुका है तो किस तरह आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए आपको बीएनएमयू की इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो रजिस्टर्ड यूजर आईडी आपको मिला था वो आपको देना और पासवर्ड कैप्चर इंटर करने के बाद लॉगिन हो जाना है। तो चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन कर लेना, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे चेक योर मेल लिस्ट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इन स्टूडेंट का अभी भी इस कॉलेज में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, सभी कॉलेज में नॉट सेलेक्ट बता रहा है। अगर आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ वहाँ पे आपको एक ही कॉलेज नजर आएगा जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैरिट लिस्ट नंबर भी आपको दिया जा रहा है दो, ठीक है, और इसकी एडमिशन डेट 27 से लेकर 1 जुलाई तक है। अगर आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन रहेगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसको आप कॉलेज में ले जाके एडमिशन करवा सकते हैं। तो यही था दोस्तों कुछ प्रोसेस। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिला होगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले किसी चीज़ की जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसलिए समय न गंवाएं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड मैं करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट की इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं वीडियो का अंत में बता दूं, अगर आपके पास लॉगिन यूजर आईडी है लेकिन पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री टाइप करना है, आप अगर बीए के लिए बीएससी या बीकॉम के लिए किए थे तो यूजी अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट, यहाँ रोल नंबर देना है और मार्कशीट दसवीं का रोल नंबर और पासिंग ईयर देके सबमिट करना है। उसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दोनों चीज़ यहाँ पर शो कर जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी तरह की जानकारी अपनी WhatsApp पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे WhatsApp का लिंक मिल जाएगा, आप हमसे WhatsApp पे जुड़ सकते हैं और WhatsApp पे भी आप हमसे सलाह जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।